पेमेंट्स पोर्टल में बदलाव की तैयारी तेजी के साथ चल रही है। नया क्या होने वाला इसके संबंध में हमारा वीडियो है, तो टेंशन ना लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिलेगी पीपीए से मुक्ति। अब पीपीए समझ ही रहे होंगे कि क्या है, अब हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नया भयंकर आने वाला है। तो होगा ये कि आपको जो है बैंकों के चक्कर नहीं लगाएं, इससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, आगे बैंक के चक्कर नहीं लगाएंगे आप। और उसके बाद देखिए नया क्या है। अप्रैल 2024 का एक आदेश आया हुआ है कि पीएफएमएस प्रणाली के अंतर्गत भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइजर पीईपीए व्यवस्था लागू करने के संबंध में है। ठीक है, तो महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में अब आप अवगत हैं कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत एसएनए प्रणाली लागू है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप एसएनए प्रणाली के भुगतान विषयक ईपीए व्यवस्था लागू की जानी है। प्रथम चरण में राज्य परियोजना कार्यालय व समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जीरो बैलेंस अकाउंट में भुगतान विषयक ईपीए की व्यवस्था लागू की जाएगी और चरणबद्ध रूप से इसे विद्यालय में लागू किया जाएगा। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में ईपीए व्यवस्था लागू करने हेतु तो यथासंभव लॉगिन पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए ईपीए की व्यवस्था 15 दिवसों में एक्टिवेट करना सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ महानिदेशक स्कूल शिक्षा का साइन है।